guys, welcome back to my channel. I'm Nidhi from Nidhi Abhi channel. Hope you all are doing very well. And आज मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ hanky tucking style से net साड़ी. मुझे इसके request काफी दिनों से आ रही थी कि दी please net साड़ी पे hanky tuck का video shoot करो, हम लोगों के साथ share करो. तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर ही कर देती हूँ hanky tuck in net साड़ी. आप देख सकते हो मैंने net की साड़ी पहन रखी है, इस पर मैं आप लोगों के साथ hanky tuck share करने वाली हूँ. तो क्या करना है, वीडियो के एंड तक देखना है. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर आप कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब. और अगर आपने भी देख मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो गो एंड फॉलो मी देयर. सबसे पहले हमें एक रुमाल ले लेना है एंड रुमाल को इस तरीके से एक फर्स्ट हम इसको ट्राइंगल शेप देंगे एंड अगेन हम इसको दूसरा ट्राइंगल शेप देंगे. और आफ्टर दैट इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा फोल्ड करें हैं जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो और इसके दोनों पार्ट्स को आपस में हम मिला देंगे. ईजली मैं आपको स्लोली समझाने की कोशिश कर रही हूँ. आपस में इस तरीके से दोनों को जोड़ देंगे और ये बहुत ही प्यारा सा एंड फंकी सा लुक, छोटू सा लुक जिसको बोलते हैं, वो हमें मिलेगा. और इसको हम थोड़ा सा बस अपने साड़ी में टक कर देना है. बहुत छोटू सा ही आपको प्यारा सा लुक मिलेगा. मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा छोटू सा लुक. आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट, सिंपली हम इसको निकालेंगे. एंड हाँ, मुझे भी देखना पड़ता है ना कि मैं क्या करूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर तो बाद में कर रही हूँ. और मैं रुमाल को इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी एग्जैक्टली सेम जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं. एंड इसके एक कॉर्नर को मैं फोल्ड कर रही हूँ ट्रायंगल शेप में लाइक दिस. सेम ऐसा ही आपको भी करना है और दूसरे को भी हमें ऐसे ही करना है. दूसरे पार्ट को भी हम सेम इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे. अब आप देख सकते हो कितना प्यारा सा ये अभी हमें यहाँ पर लुक मिल रहा है. अब अगेन हम सेंटर से इसको फोल्ड कर देना है हमें. ये देख सकते हो दोनों साइड से ओपन हो चुका है पार्ट. और वैसे भी मैं इतना क्लियरली समझा रही हूँ कि अगर दिखा रही हूँ मैं वॉइस ओवर भी आपको करके समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके. एंड बस टक करके ये दोनों साइड से हम ऊपर टक कर लेंगे. बहुत ही प्यारा सा लुक मिलेगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. कैसा लगा आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके. और हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा. अगेन हमें देख लो वही चीज़ हमें सेम करना है. एक फोल्ड करके हमें दोनों साइड से सेंटर में इसको ट्रायंगल शेप देना है कुछ इस तरीके से. और मैं बहुत ही स्लोली समझाने की कोशिश कर रही हूँ. बस सिंपली फोल्ड करके इसी तरीके से सेंटर में आपको फोल्ड कर देना है. और अब इसको कहीं भी फोल्ड नहीं करना है, बस हमें टक कर लेना है. और ये देखो ये कितना प्यारा लुक आपको दे रहा है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा. ये सबसे अच्छा लगा मुझे कि बस एक बार ही दो बार ही फोल्ड करना और अच्छे से आपको लुक मिल जाएगा. एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट. और गाइस, कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सारी रिक्वेस्टेड वीडियो को पूरा करने की कोशिश करती हूँ. एंड अब जैसे छोटे छोटे प्लेट्स पड़ते हैं ना लाइक चुन्नट, हमें वो बनाना है, डाल लेना है छोटा छोटा सा करके इस तरीके से. और नीचे सारे प्लेट्स को मिक्स कर लेना है, मतलब एक पर एक प्लेट्स ले जाना है कुछ इस तरीके से. और अब हमें लेना है दूसरी रुमाल और दूसरी रुमाल में भी हमें सेम यही चीज़ करनी है. मैं यहाँ पे एक ऐसी फ्लोरी प्रिंट ली हूँ और एक छोटू भीम ली हूँ मैं यहाँ पे, छोटा भीम सॉरी. और इन दोनों रुमाल को सेम वही तरीके से प्रोसेस में फ़ोल्ड करना है और सेंटर से हम इसको फोल्ड कर देंगे. आप देख सकते हो कितना प्यारा थिक सा ये फैन जैसा लुक रेडी है. और हम इसको आप सिंपली अपने साड़ी पेटीकोट में टक कर लेना है अच्छा सा फ्लोरी लुक देते हुए. आप देख सकते हो दो रुमाल के साथ मैंने कैसे अच्छे से इसको टक कर लिया है. आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा वीडियो. अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और अगर हमें इसके और हमें अगर इसको हाइड करना है, हालांकि नेट की साड़ी तो हाइड होने के चांसेस तो नहीं है, पर फिर भी आप इसको दूसरी साइड पे सिंपली ऐसे ही टक कर सकते हो. एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट, मैं क्या कर रही हूँ मैं भी ज़रा सा देख. मैं अपनी रुमाल को सिंपली ऐसे फोल्ड करना है तीन बार फोल्ड करते हुए. और इसके बाद मुझे थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, एक मिनट जस्ट वेट, मैं क्या करने वाली हूँ. हाँ, ये फोल्ड करने के बाद अब आपको यहाँ ध्यान से देखना, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट रुमाल का पार्ट है, हम उसको पुल किए ऊपर पकड़े. दूसरा पार्ट भी हम इसको पकड़ के ऊपर की साइड पुल करेंगे और थोड़ा सा हमें ऊपर इसको टाई कर लेना है, अपने हाथ से पकड़ लेना है इसे टाइटली. एंड सेम मैं थर्ड में भी करूँगी. तो ये आप देख सकते हो कितना प्यारा सा जिग जैग सा लुक मुझे मिला है. और अब हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, आ गया ना एक ट्विस्ट मज़ेदार. और बस हम इसको सिंपली अब अपनी साड़ी में टक कर लेना है
बहुत ही अच्छा लुक आपको ये मिलने वाला है इससे, ऐसा करके सीढ़ियों वाला लुक आपको यहाँ मिल रहा है। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। एंड अगेन गाइज, जो मैं नेक्स्ट स्टाइल कर रही हूँ इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने रुमाल को एक ट्रायंगल देना है, उसके बाद छोटे छोटे zigzag प्लेट्स बनाने हैं, सेम जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसी तरीके से। और मैं तो बहुत ही अच्छी स्टोरी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ गाइज, आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आए, समझ में भी आए। और बस दूसरी रुमाल को भी लेना है और सेम वही पैटर्न आपको इस दूसरी रुमाल में भी आजमा लेना है, वही चीज़ करना है। एक रुमाल को टक कर दिया है हमने और दूसरी रुमाल को भी हम इसी तरीके से यहाँ इसके साइड में टक कर देंगे, तो प्यारा सा लुक के साथ साथ कभी कभी हो जाता है हमें दो रुमाल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये कुछ इस तरीके का लुक मिल रहा है। आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।